हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी वेलकम इंजीनियर्स केमिस्ट्री क्लासेस। आप सभी के बीच आज हम लोग एक नया वीडियो, और आप आज की इस सफर में आप रहिएगा मेरे साथ, जिसमें हम लोग देखेंगे क्लास 12th की जो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक है, उस बुक के सॉल्यूशन करेंगे हम लोग पहले चैप्टर्स के, जो वॉल्यूम 2 होते हैं ना, वॉल्यूम 2 के पहले चैप्टर की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। भाई जिस चैप्टर्स के नाम आप लोग अच्छे से जानते होंगे, अच्छा से जानते हो, जिस चैप्टर को हम लोग जानते हैं बच्चों, हेलो अल्केन एंड हेलो बारी, इसी चैप्टर्स को में जो एनसीईआरटी बुक है, उस एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, जिससे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसमें के जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस होंगे सबको एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे। पिछले जो वीडियो देखे थे आप लोग, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोगों को दिया गया था कि एक तो पहले नेम करना था, उसमें जो हमको नेमिंग करने के लिए दिया गया था वो नेमिंग द आईपीएससी सिस्टम के अकॉर्डिंग, और फिर हम लोगों को उसको क्लासिफाई करने के लिए बोला गया। फिर मैंने उसको क्लासिफाई करके भी बताया, बड़ी बेहतरीन रूप से बताया, उस वीडियो को आप जरूर जाकर देखिए, जो लेक्चर 1 में आपको इस चैनल पे भेजा गया है। इस चैनल के जरिए भाई साहब आपको सारे वीडियो अपलोड किए जाएंगे एक एक करके। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए इस सफर में, जिसमें हम लोग खेलेंगे एनसीईआरटी किताब के सॉल्यूशनों के साथ। देखिएगा भाई, दूसरे नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या कर रहा है, अच्छे से एकदम समझ में आ रहा है? देखो यार क्या कर रहा है, कह रहा है कि गिव द आईपीएससी नेम, अरे आईपीएससी नेम दे दो, अब फॉलोइंग कंपाउंड्स, दिए गए कंपाउंड्स के नीचे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, करेक्ट दिए गए क्वेश्चन के ना भाई साहब, अब आईयूपैक नेम लिख दो, बस आईयूपैक नेम पूछ रहा है, आईपीएससी नाम पूछ रहा है आपसे, और आपके सामने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस दे रखा है, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप एनसीईआरटी की दूसरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। अब कैसे सॉल्व करेंगे तो आपको सब पता है, सॉल्व करने का तरीका पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले सॉल्व करना हो तो आप पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाना, जब इसको एक्सपेंड कर दोगे ना भाई साहब, नेमिंग अपने आप दिख जाती है। आईयूपीएससी ने कुछ रूल दिया था, आप अच्छे से जानते होंगे, सबसे पहले बोलता है कि कार्बन की एक लंबी चेन बना रहे हैं ना, लॉन्गेस्ट रूल कहा जाता है इसको, कार्बन की लंबी चेन बनाएंगे, उस चेन में जो साइड चेन जुड़े होंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े होंगे, उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, अगर चेन में डबल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, अगर उस चेन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को दी जाएगी, अगर उस चेन में डबल और ट्रिपल दोनों आ जाए तो उसमें पहले डबल को प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर ट्रिपल को प्रायोरिटी दी जाएगी, कब, यदि दोनों का पोजिशन एक समान आ जाए तब, अन्यथा जो पहले आएगा वही नंबरिंग ले जाएगा। नाम तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही देना है, जो एबीसीडी में पहले आएगा उसी का नाम पहले लिखाएगा। आइए हम लोग चलते हैं अपने क्षेत्र में, कहता है क्या है भाई साहब कि गिव द आईपीएससी नेम ऑफ फॉलोइंग ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने बच्चों, ध्यान से देखोगे, पहले क्वेश्चन है CH3CHCl CH2CH3, मैंने क्या बोला था याद है आपको, कि पहले जिसमें ब्रैकेट नहीं लगा हो, O2 नहीं लगा हो, O3 नहीं लगा हो, उसको करेंगे, तो पहले है CH3, हम लोग क्या लिखेंगे CH3, फिर आगे मिल रहा है CH, फिर इस ब्रैकेट में छोड़ दो, फिर आगे मिल रहा है आपको CH, फिर ब्रैकेट में छोड़ दो, फिर मिल रहा है बाबू CH3। अब एक कार्बन टेट्रावेलेंट होते हैं, अब टेट्रावेलेंट है तो आप अच्छे से जानते हैं कि भाई उसकी चार वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, यहाँ तो इस कार्बन की 1 और 3 मिलाकर 4 वैलेंसी पूरी है, इस कार्बन को देखो भाई साहब, 2 बंधन 1 हाइड्रोजन मिलाकर 3 पूरी है, अभी भी 1 बच रहा है ना, वो पक्का कहीं ना कहीं इसके बगल में देखिए जो सीएल आया था ना, इस सीएल को इसके ऊपर ले जाके जोड़ चुकी, यहाँ पर एक जाकर जुड़ गया सीएल, ठीक इसी तरह से इसके पास भी देखिएगा 1 2 3, अभी भी ये घट रहा, वो घट रहा, वो जाके जुड़ जाएगा इसमें कौन सा बीटा हो गया, ये रहा स्ट्रक्चर। नाम देने का तरीका क्या है, सबसे पहले टेक द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन का लंबा चेन लेंगे, अब कार्बन के लंबा चेन में क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक यही जो है लंबा चेन, और उस चेन में नंबरिंग उधर से की जाती है जिधर से साइड चेन को कम से कम नंबर मिले,
अब इधर से आएंगे तो वन टू पोजीशन पे भी आर है, थ्री पोजीशन पे सीएल है, पर बोलते कोई नहीं है। इधर से चलेंगे तो टू पे भी है, थ्री पे भी है। सर दोनों तरफ से देख रहे हैं ना, ये कि इधर से भी नंबरिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो वन टू थ्री फोर, इधर से अगर हमने किया तो दो पोजीशन मिला, इसके पोजीशन को लोकेंट कहते हैं। लोकेंट कहते हैं कहां कहां मिला है, एफ टू पर मिला है, थ्री पे मिला, इसको समरूल भी कहा जाता है। अगर इधर से भी हमने नंबरिंग किया तो देखा टू पर और थ्री पर, मतलब दोनों तरफ से लोकेंट जो है ना सर, लोकेंट जो है ना सेम से मारा। जब दोनों तरफ से पोजीशन समान आए तो देखना जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसकी प्रायोरिटी देना है। तो अब बताओ सी पहले आता है कि बी पहले आता है, बी आता है पहले, अच्छे से आप जानते हो हाँ या ना। अगर बी आता है तो इसको किधर से कम नंबर मिला है, इधर से मिला है वन टू पे, ऊपर वाला में तो सही आया था थ्री पे, तो हमको नीचे वाले नंबरिंग को सही मानेंगे, ऊपर वाले नंबरिंग को गलत मानेंगे। बोलो समझ में आया कितनी बात नंबरिंग कैसे करना है। टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन का लंबा चेन लेना है, उसमें नंबरिंग इधर से करना है जिधर से अल्फाबेटिकल सुपीरियर उनको कम नंबर मिले, यदि दोनों तरफ से सेम सेम पोजिशन आ रहा हो तब। अब आप मुझे बताओ भाई, अगर नाम लिखने चलो पहले बी का नाम लिखोगे या सी का नाम, तो कहोगे तुम लोग बी के नाम, बी कितने नंबर पे है, टू पे है, तो नाम हो जाएगा टू पर आया है क्लोरो, फिर सी सॉरी टू पर आया है बोरोमो, फिर सीएल जो है थ्री पे आया है, तो लिखेंगे थ्री पर आया है क्लोरो, और तो टोटल कार्बन की संख्या चार थी तो ब्यूट लिख देना और सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख देना। नाम हो गया भाई साहब इसका टू ब्रोमो थ्री क्लोरो ब्यूटेन, और यही उसका आईयूएसी नेम। बस यही तो बोला गया था आपको कि भाई साहब किसी भी तरह से गिव द आईयूएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, आईयूएसी नेम लिख देना था किसी भी तरह से दिए गए क्वेश्चन को। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, ये रहा क्वेश्चन नंबर एक का आंसर, क्वेश्चन नंबर एक का आंसर, टू का एक नंबर क्वेश्चन। आइए इधर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर आपका एक खत्म, दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखिए, लंबा ज्यादा क्वेश्चन नहीं है सब। देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या है, पहले सी एच है, फिर एफ दो है, फिर सी है, फिर बी आर सी एल एफ है, ऐसा करते हैं ना। देखिए सी एच ने दो एफ को चिपकाना है, एक ऊपर लगा दीजिए एक पीछे लगा दीजिए, इस सी से तीन वॉल्यूम जुड़े हुए थे, इसी पे बी आर बी एस सी एल बी एल एफ भी है, एक बार बी आर को जोड़ दो, एक बार एफ पे जोड़ दो, एक बार सी एल को जोड़ दो, समझ में आया। नंबरिंग इधर से करेंगे ध्यान से, इधर से भी एक दो तो ही कर लो, तो इधर से भी एक दो सर, एक पे भी, इसमें भी एक पर फ्लोरीन है, इसमें एक पर ब्रोमीन है, तो हम लोग क्या करेंगे नंबरिंग उधर से जिधर से इसको कम नंबर मिल जाए वन। अब नाम देखिए क्या देंगे, पहले एबीसीडी में बी आर आता है हो जाएगा वन पे ब्रोमो आ गया, फिर देखिएगा एक नंबर पे सी एल आया है तो कहेंगे वन पे क्लोरो आया है, फिर देखिएगा फ्लोरीन यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, एक पर एगो है या दो पर दो गो है, तो फ्लोरीन सबको एक साथ देखेंगे, एक को एक पर दो को दो पर, तीन को एक तो टराई फ्लोरीन है तो क्लोरो, और दो कार्बन का नाम हो गया है ए। तो ये रहा इसका नाम वन ब्रोमो वन क्लोरो वन कमा टू कमा टू ट्राई क्लोरो इथेन, ये रहा दूसरे नंबर का आंसर। क्या बात समझ पा रहे हैं आप लोग, जुड़े रहिए अब आते हैं हम लोग तीसरी क्वेश्चन पे, लीजिए तुरंत स्क्रीन शॉट से। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिएगा, कह रहा है कि सीएल, मैंने बोला था क्या था पहले कार्बन के चेन को लेना है, तो सीएल के बाद आ रहा है सीएच टू, तो लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर ये है, ये क्वेश्चन नंबर थ्री आ रहा है करेक्ट सीएच टू, फिर इसके आगे है सी सॉरी सीएच टू, फिर है सी और फिर सी के आगे है ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर आगे मिलेगा आपको सीएच टू, फिर आगे मिलेगा आपको बी आर, और इस सीएच टू के पीछे जुड़ा था एक क्लोरीन, तो जोड़ दीजिए क्लोरीन। कितनी चीजें आपके सामने पड़ेगी, अब भाई साहब एक कार्बन की चार वैलेंसी होती है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, इसको भी टू टू फोर के नंबरिंग इसमें क्या करोगे, मैंने क्या बोला कार्बन का लंबा चेन लेंगे, और लंबा चेन लेने के बाद इस बात का ख्याल रखेंगे कि अगर कार्बन के चेन में कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं आए तो उसकी प्रायोरिटी पहले दी जाएगी, जो कि
अल्फाबेटिकल में हो या फिर कोई साइड चेन हो, लेकिन अगर कार्बन के चेन में मेरे बाबू अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो पहली प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को दी जाए या डबल बॉन्ड को दी जाए। तो अगर डबल ट्रिपल दोनों आएगा तो डबल को देंगे, अगर केवल ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो ट्रिपल को देंगे। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है भाई साहब, इधर सर्वे करेंगे तो 1-2 पोजिशन पर ट्रिपल बॉन्ड, इधर सर्वे कीजिएगा तो 1-2 पोजिशन पर ट्रिपल बॉन्ड। अब बताइए सर दोनों तरफ से तो दो ही तैयार है, तो फिर हम देखेंगे साइड चेन वाला को किधर कम नंबर मिलेगा। इस भाई साहब का नाम है सी से, इस भाई साहब का नाम है बी से, तो इधर से भी एक पर आएंगे, इधर से ये पाएंगे। अब साइड चेन का पोजीशन भी से, ट्रिपल बॉन्ड का लोकेट भी से, तो देखते हैं अल्फाबेटिकल सुपीरियर ग्रुप कौन सा है जो एबीसीडी में पहले आता है, तो बी आएगा, इसीलिए नंबरिंग को किधर से करेंगे। पक्का हां या ना, समझ में आ रहा आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दो। आ जाओ इस वीडियो इस पे देखिएगा आप लोग, बी आर कितने नंबर पे, एक नंबर पे, कहेंगे सर आया है वन पे ब्रोमो, फिर देखिएगा फोर पर आया है बोरोरो, उसके बाद टोटल कार्बन की संख्या चार, चार को कहते हैं ब्यूट, और इस पोजीशन को भी देना पड़ेगा आपको, इसलिए ये भाई साहब तीन नंबर पे आएंगे, दो नंबर पे और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखना पड़ता है वायनी, तो नाम हो गया वन ब्रोमो फोर ब्रोरो ब्यूट टू वायन, बड़ो दिक्कत और स्क्रीनशॉट जल्दी से एकदम जल्दी ले लो भाई, एकदम जल्दी जल्दी हमें देख रहे हैं, एकदम समझ में आ रहा होगा पक्का, एकदम आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चार चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चार नंबर क्वेश्चन क्या ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि CCl3 के O3 Cl, तो पहले इस सी पर तीन गो क्लोरीन है और ऐसा ऐसा तीन गो ग्रुप इस कार्बन पे जुड़ा है, ध्यान से देख लीजिए इस कार्बन पे, तो पहले उसी कार्बन को लिख दीजिए और इस कार्बन पर ऐसा ऐसा तीन ग्रुप, मतलब ये को कार्बन पर तीन गो क्लोरीन जुड़ना है और इसी तरह का तीन गो ग्रुप इस पर जुड़ना है, तो यहाँ सी फिर सी एल फिर सी एल फिर सी एल और ऐसा ही सी एल सी एल सी एल और तब एक अभी इस कार्बन के आगे जुड़ा है तो सी एल, देखिए ऐसा ग्रुप है। अब इसका नेमिंग आप कैसे कर दोगे भाई साहब, ध्यान से सुनो, सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन लेंगे, ये सब क्लोरीन है तो ये रहा मेरा लंबा चेन कार्बन का, देखिएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो कितना हम टेढ़ा टेढ़ा चले उससे बढ़िया है कि लंबा ही चले, ये रहा आपका लॉन्गेस्ट चेन। अब बचा क्या है, ये देखिए ये रहा साइड चेन कॉम्प्लेक्स ग्रुप और ये रहा साइड चेन, 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 तो पहले इसका नाम लिखोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से तीन गो क्लोरीन है, पहले मैं इतना का नाम बता देता हूं, CCl3 में तीन को कहते हो आप लोग क्या ट्राई, Cl को क्या कहते हो क्लोरो, Cl को क्या कहते हो क्लोरो, एक कार्बन का नाम क्या होता है मिथाइल, तो इतना का नाम है ट्राई क्लोरो मिथाइल, क्या नाम है बाबू ट्राई क्लोरो मिथाइल। तो अब आप देखो यार ये दो नंबर पर जुड़ा है तो लिखना पड़ेगा दो पर जुड़ा है ट्राई क्लोरो मिथाइल, उसके बाद अब ये भी साइड चेन जुड़े हैं कहां कहां, देखिएगा एक पर एक दो तीन, दो पर एक तीन पर तीन, तो लिखेंगे कैसे एक को तीन बार, देखिए 1, 1, 1, 2 को दो एक बार एक ही जुड़ा है, 3 को तीन बार 3, 3, 3 और तीन टोटल टाइप है गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 को हम लोग कहते हैं हेप्टा और तब सीएल है तब क्लोरो हेप्टा क्लोरो और तीन कार्बन का नाम होता है प्रोप और उसमें जोड़ दीजिए एन हुआ सर। हेलो गाइस स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लो बच्चों को जल्दी ले लो, जल्दी लाइक एकदम कमेंट शेयर सब्सक्राइब जल्दी कर दो भैया पक्का मेहनत कर रहे थे जल्दी। आइए आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट, बोले तो पांच नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5 का है, बच्चों ध्यान से देखोगे कह रहा है कि CH3C बराबर क्लोरो, बड़ी कंफ्यूजन वर्ड दे दिया सर, पारा का मतलब एक चक्कर है
पीछे वीडियो बताया था, ध्यान सुनना क्या बताता है कि बेंजीन रिंग में एक नंबर दो नंबर पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, एक तीन पोजीशन को मेटा कहते हैं, एक और चार पोजीशन को पैरा कहते हैं। तो वही जो आ गया है, देखिए बेंजीन बनाएंगे, पैरा वाले चार नंबर को छोड़ देंगे, तो रिंग वाले कहानी की बात चल रही है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, सी एच थ्री, बड़ी पेचीदा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना एकदम, सी एच थ्री, उसके बाद है सी, उसके बाद है सी, उसके इसको छोड़ दो ब्रैकेट में, उसके आगे मिलेगा सी एच, फिर इसके आगे ये छोड़ दो, इसके आगे मिलेगा CH3। देखो भाई यहाँ जो बी आर है पीछे वाले पे चढ़ेगा, यहाँ पर चढ़ा, लेकिन इसके पीछे जो ग्रुप था ना, ये अपने पीछे वाले कार्बन में जाएगा। तो कैसा ग्रुप है, बेंजीन में क्लोरीन जुड़ा है, तो बेंजीन इसके ऊपर जुड़ा जा रहा है, मतलब ये वाला बेंजीन का जो ग्रुप है, ये जो बेंजीन का ग्रुप है बाबू, देखिएगा ध्यान से, ऐसा है। और इसी तरह का एक और ग्रुप जुड़ा हुआ है, दो ग्रुप जुड़ा है ऊपर और नीचे से, इसमें क्लोरीन को जुड़ा है पैरा पर, तो ये एक 1 2 3 4 चौथा पर क्लोरीन जुड़ा है, इसमें 1 2 3 4 चौथा पर क्लोरीन जुड़ा है। देखिएगा दो को क्लोरो वाला हुआ कि नहीं, देखिए तो दो क्लोरो फिनाइल दो को हुआ, अगर इतना का खाली आप नाम लिखोगे ना बाबू, ध्यान से देख लो, खाली इतना के नाम, तो चार नंबर पर क्लोरीन है ना, तो इसका मतलब होगा 4 पर क्लोरो। आज जब बेंजीन साइड चेन बनता है ना, एकरा के फिनाइल का नाम हो गया इसका 4 क्लोरोफिनाइल, आ भाई को है 4 क्लोरोफिनाइल, आई को है 2 को है, आ 2 को है तो नाम किस तरीके का होगा, हम देखिएगा। सबसे पहले इसमें हम लोग नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे कि इधर से शुरुआत होगी, 1 2 3 ले या 1 2 3 ले, दोनों तरफ से कंफ्यूजन है, लिख चुके हैं 1 2 3 4। अब नाम लेते समय भले ख्याल रखिएगा आप लोग कि बी वाले का नाम पहले देना है, मतलब सर ये पहले नंबर पर थ्री पर आया है, देखेंगे थ्री पर आ गया, वो थ्री पर कौन आया बाबू, ब्रोमो है। इसके बाद आप देखिएगा अब ये वाला कितना है, 4 क्लोरो फिनाइल, कितने नंबर पर मिले, 2 पर, ये भी कितना है 2 पर, तो लिखेंगे कि 2 को 2 बार 2.2 अटाई लगाएंगे, क्योंकि सेम सेम है, तो यहाँ देखिए जब कॉम्प्लेक्स टूटते हैं ना तो प्रीफिक्स हम लोग 20 लगाते हैं, 20, और 20 पे कौन कौन जुड़ा है देखो, तो यहाँ पर 4 क्लोरो फिनाइल, और तब इस चेन में कितने कार्बन हैं, 5 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम लोग क्या करते हैं बाबा, बी पे, और इस तरह से इसका नेमिंग होगा। पहले कॉम्प्लेक्स ग्रुप को देख लिया जाए कि दो को है तो 20 लगा है, डाई बाई ग्रुप लगा देना भाई, कॉम्प्लेक्स है ना 20 ट्राई किस टेट्रा किस का प्रयोग किया जाता है, तो इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए फास्ट। ओके बच्चों ये बहुत आसान है, आप लोग पीछे पढ़ चुके हो, मुझे रिवीजन करा के आपको निकल जाना है, पूरी सिलेबस को कराएं कि कम से कम दे आप से। चलो भाई इसके बाद आते हैं आखिरी क्वेश्चन से,